गणगौर पूजन की देश और प्रदेश में धूम मची है। मंदिर परिसरों में महिलाओं और बालिकाओं ने गणगौर का बिंदोला निकाला। इसमें बालिकाओं ने छोटे बच्चों को दूल्हा दुल्हन बनाकर सजीव झांकी निकाली। पार्क में गणगौर की प्रतिमा को घुमाकर गणगौर के गीत गाए और ढोल ताशों पर झूमती बालिकाओं में गणगौर पूजन को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। पार्क में मिट्टी एकत्रित कर रही महिलाओं ने बताया कि पार्क से मिट्टी ले जाकर वे गणगौर की प्रतिमाएं बनाती है, फिर 8 दिनों तक उसका पूजन करेगी और अंतिम दिन विसर्जन होगा। बालिकाओं ने बताया कि गणगौर का पूजन अच्छे घर और वर की कामना के लिए किया जाता है। वहीं विवाहित महिलाएं परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए गणगौर का पूजन करती है। बिंदोला निकालने की परंपरा भी प्राचीन है। हम आपको बता दें कि दुलुंडी के दिन से गणगौर का पूजन शुरू हो गया था। ये एक पखवाड़े तक चलता है। इसके बाद विवाहित महिलाएं धीगा गणगौर का पूजन करेगी। इन दिनों भीतरी परकोटा क्षेत्र में पुरुष मंडलियां गणगौर को गीतों से रिझा रही है। इस मौके पर नवरतन सोनी, कर्णिका, चंचल सोनी, शोभा कोमल सहित अनेक लोग मौजूद थे।